तो मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे इस बार? शिवराज सिंह चौहान को बनाएंगे। कमलनाथ को क्यों नहीं? कमलनाथ हम जन्म नहीं करते हैं, क्या दिए नहीं दिए तो उनको बनाएंगे कैसे? जब बोल दिए कि हम भाई बन के हैं, चाहे सौतेला है चाहे अपना है, तो हो गया, चाहे सौतेला सही है चाहे अपना सही है, हम लोग तो अपने सहेंगे ना, चाहे चाट हो चाहे पाट हो। हाँ, भाई के साथ देंगे। लाभ यही लाडली बहना मिल रहा है मेरे को, क्या राशन मिलता है हम लोग को, लाडली पैसा मिल रहा है 1000 रुपया। कमलनाथ कह रहे हैं कि मामा तो जा रहे हैं इस बार। नहीं जाएंगे, कभी नहीं हो सकता है कि मामा चल जाएंगे। हाँ, नहीं जा सकते हैं। पक्की बात है महाराज, मामा के लिए ऊपर हम लोग मर रहे हैं, मामा चल जाएंगे तो हम लोग जिनका जिंदा रह के क्या करेंगे? अपराध कम हुए हैं? एकदम कम हुए हैं, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सिंगरौली के लिए कौन बेहतर है, मामा या कमलनाथ? मामा जी में आजाद रहना है, मोदी जी के राज में, मामा जी के राज में। मोदी से भी खुश है? हाँ, मोदी जी मामा जी। क्या योजनाओं का लाभ मिलता है? लाभ यही लाडली बहना मिल रहा है मेरे को। हाँ, और बस यही मिल रहा है। हाँ, राशन भी आ रहा है, कूपन बना है मेरा। बना है? हाँ। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? हाँ, आयुष्मान कार्ड भी बना है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि मामा आपका ख्याल रखते हैं? हाँ, ख्याल करते हैं मामा। अच्छा, जब भी महिलाओं की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो आपको मामा के राज में कहीं ऐसा लगता है कि बाहर निकलने में डर लगता हो? नहीं, डर तो नहीं लगता है, मैं खुद ही अपने पहलवान हूँ। अरे हाँ, एक 5 बच्चे हैं, पति तो है नहीं, मैं निकलती हूँ खुद ही पहलवान हूँ अपने आप को। अच्छा, कहीं भी अगर कोई टकरा भी जाएगा तो खुद निपट लेती हूँ मैं। निपट लेंगे? हाँ। तो ये मामा के राज में ये दबंगई नहीं होना चाहिए, अच्छा और सुरक्षित रहे, मतलब माँ बहनों को सबको सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित है। माता बहनों का ख्याल रखते हैं? हाँ, ख्याल रखे हैं मामा, मतलब सब बहनों का, मातों का। तो क्या आप भी उनका ख्याल रखते हैं? ख्याल तो रखते हैं, क्यों नहीं। हाँ, इस बार चुनाव है, चुनाव है तो रखेंगे, फिर भी रखेंगे। हाँ, चलिए। तो कमलनाथ का नाम सुना है आपने? कमलनाथ का सुने सुने वही मोदी सरकार। कमलनाथ है, कांग्रेस से होंगे। सुने कमलनाथ का? सुने और पोस्टर तो जो चिल्लाते हैं, पोस्टर देखे। क्या नाम है आपका? अंशु देवी। क्या करते हैं आप? घर में रहते हैं। और क्या? घर में रहते हैं। तो परिवार चल रहा है? ठीक। हाँ, चलिए रहे। तो सरकार के घर से भी कुछ आ रहा है घर में? हाँ, लड्डू से मिलता है मेरे को। कितना महीना मिल रहा है? 1000। कितने दिन से मिल रहा है? जून से मिल रहा है। ठीक है, जब से आपको पैसा मिल रहा है तब से आप उस पैसे का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? इससे पहले जो आपको किस तरह की तकलीफ रहती थी घर में? हाँ, तकलीफ रहती थी, बताइए। बहुत तकलीफ रहती थी। 1000 मिलने से आदमी का जो भी मतलब मन करता है वो करता है अपना। तो आपने अब तक जो रुपया मिला है लाली बहना का, उसको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे खर्च किया है वो जरा बताइए। कपड़ा खरीदे हैं, बताइए। कपड़ा खरीदे हैं, बच्चों को फीस भरे हैं, और क्या जो काम होता है वो करते हैं। तो अब क्या अपने पति से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? पति से मांगने की पड़ती है, जरूरत पड़ती है, बाकी दे रहे हैं तो अच्छा है सब। अच्छा, ये बताइए आपके पति देव इससे पहले 1 महीने में कितने रुपए देते थे आपको? देते थे 4-5 हज़ार, देवे करते थे 4-5 हज़ार। तो घर चलाने के लिए देते थे? घर चलाने के लिए। आपको कपड़े खरीदने के लिए नहीं दिए? और देते तो थे ना, इतने दिन से दिए कौन चलाए कौन, बाकी दे रहे हैं मामा शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। और क्या महसूस हो रहा है जो मामा कहते हैं कि मामा मैं एक परिवार का सदस्य हूँ, उसका मुखिया हूँ, लग रहा है कि हाँ आपके परिवार की भी चिंता कर रहे हैं मामा? हाँ, चिंता तो कर रहे हैं, तभी तो दे रहे हैं, भेज रहे हैं महीने महीने भेज रहे हैं। हाँ, तो आप भी उनकी चिंता करने वाले? जरूर करेंगे करेंगे। हाँ, तो मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे इस बार? शिवराज सिंह चौहान को बनाएंगे। मामा को बनाएंगे? हाँ। कमलनाथ को क्यों नहीं? कमलनाथ हम जन्म नहीं करते हैं, क्या दिए नहीं दिए तो उनको बनाएंगे कैसे? देंगे तब न बनाएंगे, जो जानेंगे तब न बनाएंगे। जानते ही नहीं है? नहीं, पोस्टर जानते हैं खाली। वो तो कह रहे हैं कि इस बार अगर आपने उनको मौका दिया तो पूरा मध्य प्रदेश चमन बना देंगे। अच्छा, तो ठीक है, सब देखा जाएगा। भरोसा किस पर ज्यादा है, कमलनाथ पर या मामा पर? मामा पर। मामा पे भरोसा? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान तो कुछ कर रहे हैं आपका, चिंता कर रहे हैं? हाँ, किए हैं। क्या किया है? का राशन मिलता है हम लोग को, लाडली पैसा मिल रहा है 1000 रुपया, गैस सिलेंडर मिल गया है हमको, तो सब मिला है हमको है? हाँ, दे रहे हैं तो झूठ काहे बोलेंगे, कोई के खा के नमक हरामी थोड़ा करेंगे, दिए हैं तो बोल दिए उनके तक हम लोग वोट देंगे, और उनके तकदीर के ऊपर जो लिखा हो अपना अथी है, उनका भाग्य की बात। हाँ, वो उनका भाग्य की बात है भाई, जब हम लोग के लिए सोचे हैं किए हैं तो हम लोग करवे करेंगे, ऐसा थोड़ा ना है। करवे करेंगे तब का। वो कहते हैं कि मैं बहनों का, अपनी प्यारी लाडली बहनों का भाई हूँ, मुझे बहनों की चिंता रहती है। जब बोल दिए कि हम भाई बन के हैं, चाहे सौतेला है चाहे अपना है, तो हो गया, चाहे सौतेला सही है चाहे अपना सही है, हम लोग तो अपने सहेंगे ना, चाहे चाट हो चाहे पाट हो। जब देश वाला हम लोग भाई बन के आगे का भविष्य बना रहे हैं तो हो गया, सोचेंगे उन्हीं के बारे में। क्या नाम है आपका? प्रभावती। ठीक है, कितनी उम्र हो गई? अब ये 70 साल हो। 70 साल हो। मामा को आशीर्वाद देंगे? तो मामा को देंगे, बाबा को नहीं देंगे तो कौन देंगे? आशीर्वाद देंगे। हाँ, सबको जो करेगा उसी को आशीर्वाद। क्या किया है मामा ने? मामा ये राशन कार्ड बनाए हैं और ये पेंशन बनाए हैं। पेंशन बनाया है। मामा को बहुत साल हो गए, 18 साल हो गए,
कुछ किया है महिलाओं के लिए? हाँ किया है। क्या किया? राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। कमलनाथ का नहीं रखेंगे? उनको चिन्हबे ना करते, देखे ना कि कहाँ खाम रखेंगे। मामा को चिन्हते, मामा को देखे हैं तो इसीलिए ख्याल रखे हैं मामा का। आपको भी महसूस होता है कि हाँ हमारा कोई भाई कुर्सी पर बैठा है? हाँ, मेरा मुंह बोला भाई है कुर्सी पर बैठे। गरीब बस्ती की किस तरह की समस्या है, क्या क्या समस्या है? कोई रोड नहीं है, ना नाली सही है। पानी आता है? हाँ पानी आता है। कितने टाइम पानी आता है? पानी आता है 9 बजे, 9:30 बजे। हाँ एक टाइम। अच्छा, जितना शहर के बड़े लोगों को, अमीर घरानों को मिलती है उतना आपको मिलती है? हाँ बिजली सही तो कभी घंटा नहीं कर, घंटा दो घंटा। हम ये समझना चाहते हैं क्या गरीबी और अमीर बस्ती में कोई अंतर है या फिर एक जैसी बिजली मिलती है? बिजली देख जिसे आती है सब में, जैसे अमीरों को मिलती है ऐसे आपको गरीब को मिलती है। मगर वही भेदभाव नहीं, कुछ भेदभाव नहीं है। आप मानते हैं? हाँ, और कभी कदाल एक घंटा आधा घंटा कट जाता है, ना तो 24 घंटे बिजली बिल रहता है। ठीक है, उनके इसलिए कि बिजली बिल भाई मेरा है तो कम करे बिजली बिल। बहना को बहुत परेशानी हो रहा है, बिजली बिल बहुत आ रहा है, इसीलिए तो 1000 दे रहे हैं तो 1000 में बिजली बिल रहे की लड़के बच्चा खाए क्या क्या कर 1000 में। ठीक है, तो इस बार किसका साथ देने वाले हैं? आशीर्वाद देंगे? हाँ भाई के साथ देंगे, साथ देंगे। हाँ ठीक है, क्या नाम है आपका? यास्मीन खातून जी। यास्मीन जी ठीक है? ठीक है। और क्या चल रहा है? ठीक है, सब चल रहा है बढ़िया। तो कुछ मिल रहा है, सरकार कुछ दे रही है? 1000 रुपया चल रहा है। लाडली बहना जी? लाडली बहना। और पहले जो पतिदेव से मांगना पड़ता था पैसा, अभी मांगना पड़ता है? 1000-1200 में क्या हो रहा है? किसे साथ देने वाले हैं, कमलनाथ या मामा? मामा 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 को देंगे जी। आपको भी मिल रहा है लाडली बहना है? हाँ मिल रहा है लाडली बहना वाला। तो भैया आपका ख्याल रख रहे हैं? हाँ रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं? दे रहे हैं 1000 रुपया राशन दे रहे हैं, 1200-1200 रुपया बढ़ा के भी दिए हैं 2 महीना। हाँ तो पैसा काम में आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं काम में। किस किस काम में लेते हैं आप पैसे? अब जो भी जरूरत के सामान है, कुछ भी आए खरीद लिए बच्चा के कभी। उससे पहले जो पैसा आप अभी काम में ले रहे हैं, बच्चों की फीस के लिए या बच्चों की ड्रेस के लिए, उससे पहले छोटे छोटे पैसे के लिए दिक्कत रहती? हाँ वो था, कभी बच्चा के फीस गिर गया। अभी वैसा नहीं रहता है समस्या, दिया जाता है महीना में, आता है तो भर देते हैं। छोटा मोटा आप जो जरूरत है वो पूरा हो जाता है? हाँ हो जाता है। आदमी से मांगने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है? पहले हर रोज जैसे आज 100 दे दीजिए, आज बच्चे के लिए 200 दे दीजिए, बच्चों के लिए मोबाइल में रिचार्ज भराने के लिए नहीं रहता था, तब ये सब काम आ रहा है बच्चों लोग का। मोबाइल आपके हाथ में है क्या? नहीं नहीं। अच्छा आपके हाथ में मोबाइल? मोबाइल चलाते हैं? मोबाइल बच्चों लोग चलाते हैं। रखेंगे ना फोन करने के लिए? 1.5 रुपए का रिचार्ज होता है उसमें? 150 के कराते हैं, छोटा मोबाइल है तो 150 के ना होगा, 155 के होता है। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती? अब नहीं पड़ती है। शकीला बानू? हाँ ठीक। क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है। मामा कुछ कर रहे हैं? हाँ मामा कर रहे हैं, दे रहे हैं 1200-1250। तो गरीबों की बस्ती तक योजनाओं का लाभ आ रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ पानी भी आ रहा है, सब आ रहा है। हाँ तो मामा, इस बार मामा को मुख्यमंत्री बनाएंगे कमलनाथ? मामा को। मेरा नाम हीरा मणि जसवाल। मान लिया जाए बहनोई नाराज है? बानोई नाराज नहीं है, आगे आइए थोड़ा। और उनके खातिर भी बहुत सारी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे मुख्यमंत्री है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। तो योजना का लाभ यहाँ तक आ रहा है? जी जी। किसान सम्मान निधि है जी, पेंशन है गरीबों को, विकलांग को 1000 रुपये बढ़ा दिया गया है जी, और बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे ग्रामीण में जो शहरी हैं उसमें आवास दिया जा रहा है, अपूर्णता अच्छे गुणवत्तों के साथ आवास बना के दिया जा रहा है। विकास हो रहा है जी, एकदम विकास हो रहा है। कमलनाथ तो कह रहे थे कि भाई हम विकास करेंगे और तेज रफ्तार से करेंगे, आप मौका दीजिए। कमलनाथ 84 जो दंगा हुआ था दिल्ली में उसके अपराधी हैं, अपने भारत से विदेशों में जो जासूसी किए हैं वो हम लोग क्या भरोसा करेंगे उनका, ये बताइए। वो 15 महीना अपने मध्य प्रदेश में राज किए, 15 महीना में जितनी जनहितैषी योजनाएं थी सबको बंद कर दिए थे, गरीबों में त्राह त्राही हो गई थी, है ना। अब क्या कीजिएगा बताइए, जो मोदी जी हैं घर घर में पानी पहुंचा रहे हैं, बिजली 24 घंटा है, चाहे ग्रामीण में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, 24 घंटा बिजली है। 1 मिनट के कभी कटती है मान लीजिए कुछ समस्या है तो जी जी। कमलनाथ कह रहे हैं कि मामा तो जा रहे हैं इस बार, एक समस्या है वही नहीं जाएंगे, कभी नहीं हो सकता है कि मामा चल जाएंगे। हाँ नहीं जा सकते हैं, पक्की बात है महाराज। मामा के लिए ऊपर हम लोग मर रहे हैं, आप मामा चल जाएंगे तो हम लोग जिनका जिंदा रहकर क्या करेंगे मामा। एक मिनट, वो तो कमलनाथ तो कह रहे थे भाई वो झाड़ू मिठाई मिठाई खिला खिला के आदमी को बुर्बक बना रहे हैं सर। सराहा मिठाई दी थी वही रानी अग्रवाल, तब का एकदम भुकुड़ी लगा था उसमें। मिठाई झाड़ू दे के फुसला रहे तो फुसलाने वाले थोड़ी हैं हम लोग। हम लोग के पास 8 गो वोट है, घर में रहते हैं सर, गरीब आदमी हैं, किसी तरह जी खा रहे हैं। बाकी बिजली के बिल के लिए ये तो समस्या है सर, ये कि मामा से अपील। मामा जी ठीक है, यहाँ का बिजली वार्ड वाले अपना चॉइस कर रहे हैं,
मामा जी सब जगह पे हैं, हाँ मनमानी जहाँ मर्जी तहाँ भेज दिए, जहाँ मर्जी तहाँ कर। मामा के राज्य विकास हो रहा है? विकास बहुत है, विकास है तब तो हम लोग खुश हैं, तब ना उनको वोट में आके फिर बढ़ाएंगे, तब ना हम लोग खुश रहेंगे, वो भी खुश हम भी खुश, फिर लेके आएंगे, फिर लेके आएंगे, फिर 5 साल 10 साल अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर उसके बाद में जैसे होता होगा करते रहेंगे। बाकी थोड़ा गली का ध्यान दीजिए सर, गरीब आदमी को, बच्चे पढ़ रहे हैं, अपराध कम हुए हैं, एकदम कम हुए हैं, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी को कभी छोटी मोटी घटनाएं भी हुई होंगी तो 100 डायल है, सेकंडों में पुलिस पहुँचती है, पुलिस पहुँचती है जी जी, और जितने समाज सेविक भी हैं वो भी सब अपना जागरूकता फैलाते हैं, किसी के साथ कोई अपराध ना हो, सबके साथ न्याय हो। तो कौन बेहतर है एक बार बताइए ना आप, तो एमपी के लिए, यहाँ के आपके सिंगरौली के लिए कौन बेहतर है, मामा या कमलनाथ? मामा जी, कमलनाथ नहीं ना, मामा जब जब शुरू से उनका नाम कलंकनाथ है, वो कलंक है, कमलनाथ नहीं, कलंकनाथ है, कलंकनाथ है, कलंकनाथ जी हैं, तो उनका हम लोग चर्चा नहीं चलाते हैं, हम लोग जो आदमी को हमारा परिवार को खुश रखे हैं, हमको खुश रखे हैं, तो उन्हीं को ना चर्चा चलेगा। कमलनाथ जी तो झाड़ू दे देते हैं कि झाड़ू लगाओ, द्वार साफ करो, मिठाई खा, पेट भरो, तो काम तो करना नहीं हमको, वो नहीं करना, नहीं वो काम नहीं करना है हमको, स्वस्थ जिंदगी जीना है, जिंदगी जीना, बस आजाद रहना, आजाद रहना है। किसके राज में आजाद रहना है? मोदी जी के राज में, मामा जी के राज में, मोदी से भी खुश है? हाँ मोदी जी मामा जी, बस हाँ, मोदी जी ने भी कुछ किया? हाँ बहुत, वही उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं हम लोग, उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं, तो एमपी में कोई रुक नहीं देता हम लोग को, वो भाग जाओ यहाँ से, अभी वही तो तोड़ रहे हैं बुलडोजर लगा लगा, तो क्या करें हम लोग, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। तो ये वार्ड नंबर 8 की जनता है, सिंगरौली शहर है, लेकिन जब बात भरोसे की आती है तो इनका भरोसा मामा पर ज्यादा है, ये ऐसा इन महिलाओं का कहना, ये मेरा कहना नहीं है, प्रयोग जरूर करिए। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद मामा, जिंदाबाद मामा जी, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।